ये इसकी जान है इस इंस्ट्रूमेंट की, जिसको ये बड़ा रिसर्च बेस्ड फिल्टर है। इस फिल्टर में बड़े स्पेशल नैनो मटेरियल की कोटिंग है, ये कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करके, फोटो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को, वायरस को, बैक्टीरिया को ख़त्म कर दे। पंजाब के सिंह हम उनको कहते हैं, कि हम यहाँ से बड़े कहते हैं कि वो हमारे पंजाब के सिंह हैं, क्योंकि जिस तरह से बड़ा दिल करके भारत की मदद कर रहे हैं इस बड़े कठिन दौर में, सो ये बहुत ही सराहनीय योग्य है। बाबूशाही देख रहे सारे का स्वागत है जी। करोना महामारी तो नजिठण लई USA की कंपनी मोलीक्यूल नाम की कंपनी ने पंजाब यूनिवर्सिटी नूं पिछले दिन ही खास तरह के एयर प्योरीफायर्स दिते सीगे, डोनेट किए सीगे, जो जिस तरीके के हालात बनते जा रहे थे पूरे देश दे विच, ते खास तौर पर चंडीगढ़ की गल करिए, मोहाली की गल करिए, सो हुण ये जिहड़े यूनिवर्सिटी नूं एयर प्योरीफायर्स मिले है, जाणांगे किस तरीके दे ने, ते वायरस दे इनफेक्शन नूं जिहड़ा रोकण लई किस तरीके दे नाल ये मदद करदे ने। साडे नाल गलबात करन लई मौजूद ने प्रोफेसर गंगा राम चौधरी जी, सैफ दे डायरैक्टर ने पंजाब यूनिवर्सिटी तो, इन्हां तों जाणदे आ। सत श्री अकाल सर, ये दसो कि जिहड़े खास तरीके दे एयर प्योरीफायर्स आए ने, की इन्हां दा परपज़ है, तो किन्हां वल्लों तुहानूं जिहड़े डोनेट किए गए, तो की उहदे पिछे सीगा मेन जिहड़ी इच्छा उन्हां दी की सी जी? थैंक, मैं तुहाडा पहले सब तो पहले तुहाडा धन्नवाद करना चाहुंदा कि तुसीं साडे कोल आए, तो मैं ये तुहाडे माध्यम तो ये दसना चाहुंदा कि ये जिहड़े प्योरीफायर है, ये एयर प्योरीफायर जो है ये एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाला एयर प्योरीफायर है, जो पिको टेक्नोलॉजी पे काम करता है, तो ये हवा में पॉल्यूटेंट को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो बाकी प्योरीफायर है वो हवा को फिल्टर करते हैं, पर ये जो है पॉल्यूटेंट को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, तो उससे वो पॉल्यूटेंट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसे आपने बताया, आज के दौर में जहाँ कोरोना महामारी ने बहुत ही भयानक रूप धारण किया है, तो इस क्राइसिस को देखते हुए US की कंपनी ने, क्योंकि हम उनके कोलैबोरेटर हैं, हमें ये एयर प्योरीफायर दान किए हैं, जिनको हम डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल्स में भेज सकें, ताकि वहाँ वायरस का स्प्रेड जो है रोका जा सकता है। और ये डिवाइस जो है, ये बैक्टीरिया, वायरस, मोल्ड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड पे टेस्टेड हैं, और साथ ही साथ इस वायरस की यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा USA वायरोलॉजी लैब ने इसकी टेस्टिंग की है, कोरोना स्ट्रेन प्रोकाइन एंड बोवाइन पे, और ये पाया गया है कि ये 99.99% जो है इस वायरस को ख़त्म करता है। जी दसो, किन्ने जड़े ने प्योरीफायर्स किन्ने मिले, ते हुण तक तुसी कित्थे कित्थे डोनेट कर चुके हो? टोटल जो है मॉलिक्यूल ने हमें ये अश्योर किया है कि वो हमें 2000 यूनिट जो है वो प्रोवाइड करेंगे, जो कि अलग अलग हॉस्पिटल्स में इंडिया में दिए जाएंगे। फर्स्ट बैच में हमने 271 ये एयर मॉलिक्यूल, एयर मिनी रिसीव किए हैं, और दो बड़े मॉलिक्यूल एयर यूनिट हमने रिसीव किए हैं अभी तक। और उसमें से जो है हमने अभी तक वो ये एयर प्योरीफायर जो है हमने PGIMER चंडीगढ़, सेक्टर 16 हॉस्पिटल, सेक्टर 32 हॉस्पिटल, एम्स भटिंडा, IGMC शिमला, इनमें ये यूनिट्स जो है हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और साथ ही साथ पंजाब यूनिवर्सिटी में जो हेल्थ केयर सेंटर है, हमारे पास डेंटल इंस्टीट्यूट्स है, जहाँ वैक्सीन का काम बहुत ज़ोरों शोरों पे चल रहा है, जहाँ उनकी OPDs और दूसरी चीज़ें फंक्शनल है, तो और साथ ही साथ जो 100 बेड कोविड केयर सेंटर यूनिवर्सिटी का है, वहाँ के लिए ये कुछ यूनिट्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं जी। तुसी दसा कि 271 जड़े आए सीगे पहला मॉलिक्यूल वालों, सो हुण अगे क्योंकि 2000 भेजन दा उन्होंने वादा किया, तो सो अगले किन्ने टाइम तक जड़े हैगे होर प्योरीफायर्स आ सकते हैं, कि इस वार दी तरह अगली वार भी जड़ा नोडल पॉइंट है पंजाब यूनिवर्सिटी रहने वाला? हमने मिलके जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन तय की, हमें मॉलिक्यूल ने बताया कहाँ कहाँ जाने चाहिए। मैं आपको बहुत
अच्छे हृदय से, ये खुश हृदय से बताना चाहता हूँ कि ये यूनिट जो है यूएसए से जा चुके हैं, चल चुके हैं, और इसमें ये अलग अलग हॉस्पिटल्स में, क्योंकि जैसे महाराष्ट्र में अगर यूनिट्स देने हैं पहले वो पंजाब आएँ फिर महाराष्ट्र जाएँ, वो एक वायबल स्कीम नहीं है। तो महाराष्ट्र के यूनिट सीधे महाराष्ट्र में जा रहे हैं, हम उनको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। जैसे आज भी हम कॉन्टैक्ट कर रहे थे हिंदुजा और कोकिला बैन हॉस्पिटल में, और जैसे एम्स दिल्ली को 100 ऐसे एयर प्योरीफायर, तो हम हर जगह बात कर रहे हैं। जैसे दिल्ली में सीएम को कंपनी ने हमसे मिलके लिखा है, उसी तरह से यूपी को, इंडिया की हर स्टेट्स को, जहाँ जहाँ इन्फेक्शन का स्प्रेड बहुत ज़्यादा है वहाँ ये भेजे जा रहे हैं। तो हम यूएस कंपनी के साथ कोलेबरेट कर रहे हैं उनको, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प के लिए। पर ये मैं बताना चाहूँगा, ये टोटल जो जनरस कंट्रीब्यूशन है, जो टोटल डोनेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल कंपनी की, हम सिर्फ उनकी सहायता कर रहे हैं इनको बांटने में। यहाँ तक कि ये मैन्युफैक्चरर यूनिट यूएस के लिए हैं, तो इनके जो चार्जिंग पॉइंट उन्होंने कनेक्टर तक जो है यूएस ने ही प्रोवाइड की, यूएस कंपनी ने प्रोवाइड किया है। कस्टम ड्यूटी, ट्रांसपोर्टेशन, मेन जो उनकी शिपमेंट की ट्रांसपोर्टेशन है, वो सारी की सारी वो कंपनी जो है यूएस ने ही कर रही है, यूएस ही कर रही है। तो उस मॉलिक्यूल कंपनी के जो सीनियर R&D डायरेक्टर हैं डॉक्टर जसप्रीत धाऊ, वो पंजाब यूनिवर्सिटी के बड़े डिस्टिंग्विश्ड एल्यूमिनस हैं। सो वो इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं। सो उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर की है। तो हम रोज़ बैठ के स्कीम बात करके स्कीम बनाते हैं कि हमें किस तरह से जल्दी ये डिवाइसेस हॉस्पिटल में लगा पाए, ताकि इस स्प्रेड को, इस स्प्रेड को रोका जा सके। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਸਟ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਜੀ, ਜੈਸੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਯੂਨਿਟ ਜੋ ਹੈ ਇਸੀ ਸਾਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਆ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਮੇਂ, ਤੋ ਮੈਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਪੇ ਇਸਕੀ ਕੋਸਟ ਚੈੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਵੋ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ 32,000 ਰੁਪਏ ਇਸਕੀ ਕੋਸਟ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਪੇ ਹੈ। तो जो मेरी उनसे बात हुई है वो कहते थे कि वो कोशिश करेंगे कि वो कॉस्ट भी इस स्पेशल टाइम पे रिड्यूस करेंगे। तो हमें जो और साथ ही जो बड़े यूनिट्स हैं वो एक्सपेंसिव है, वो अभी इंडिया के लिए उनकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं हुई है, तो यूएस के ही यूनिट्स वो यहाँ भेज रहे हैं। जहाँ तक इसकी असेंबलिंग है या वर्किंग प्रिंसिपल है वो मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ इसको प्रेस करके ये बंद हो जाएगा। सो इसको खोलने के लिए हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ ये जो यूनिट है, ये इसकी जान है इस इंस्ट्रूमेंट की, जिसको ये बड़ा रिसर्च बेस्ड फिल्टर है। इस फिल्टर में बड़े स्पेशल नैनो मटेरियल की कोटिंग है जो फोटोकैटालिटिक ऑक्सीडेशन करती है। जब यहाँ जो ये लाइट सोर्स जो है इस पे पड़ता है, यहाँ अंदर लाइट सोर्स है, रेडिएशंस यहाँ आती है, तो ये मिलके जो है वो पॉल्यूटेंट को यहाँ किल करती है। तो हमें इसको जब अनबॉक्स करेंगे तो ये फिल्टर पॉलीथीन में रैप्ड होगा, उस पॉलीथीन को रिमूव करके इस चैम्बर में सिंपली इसको ऐसे रखना है और फिर इसको यहाँ क्लॉकवाइज आपने घुमाना है और आपका फिल्टर, ये आपका यूनिट असेंबल हो जाएगा। तो ये जो चैम्बर में हमारे पास रेडिएशन सोर्स और नैनो मटेरियल कोटिंग वाले फिल्टर, ये कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करके, फोटो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को, वायरस को, बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं। गल करी जे जड़े नॉर्मल होर जड़े एयर प्योरीफायर्स आ रहे ने उन्होंने नालों, मतलब ये डिफरेंट की है, लाइक उन्होंने कोई जड़े कोई अगर कई कोई डिसएडवांटेज होंगे जो ये है नहीं गा, क्योंकि इस जड़ा माहौल है इस टाइम तो मतलब कोई इदा एयर प्योरीफायर है जिद कोई नुकसान भी हो सकता है कोई, सो वो भी बड़े ध्यान की गल है ना देने की, तो सो तुम दसो ये डिफरेंट किमें? जो ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। नॉर्मली जो बहुत अच्छे प्योरीफायर भी हैं
उनमें जो फिल्टर होता है वो नॉर्मली हेपा फिल्टर होता है। हेपा फिल्टर जो है हर तरह की कंटेमिनेशन को सिर्फ फिल्टर करता है, तो उससे वो पास नहीं कर सकता। तो होता क्या है कि वो धीरे धीरे उस पर सैचुरेट और एकोमोलेट होता है। तो जो बाकी फिल्टर भी है वहाँ हमारे पास पॉल्यूटेंट की एकोमोलेशन होती है, सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो सैचुरेट भी हो जाता है वो फिल्टर। तो उस स्टेज पे ये भी चांसेस होते हैं कि वहाँ जो हमने फिल्टर किया है, वहाँ जो पॉल्यूटेंट एकोमोलेट हुआ है, वो किसी स्टेज पे डिजॉल्व भी हो सकता है, और हम कहें कि इमीडिएटली देर में भी स्प्रेड ऑफ दैट पॉल्यूटेंट फ्रॉम द फिल्टर, तो वो फिर बहुत नुकसानदायक है। तो वहाँ हमें उसको क्लीनिंग का प्रोसेस जो है वो भी बड़ा केयरफुली हमें करना पड़ता है। तो और दूसरा ये है कि हमें हमें वो ये एश्योर नहीं होता, क्योंकि पॉल्यूटेंट ख़त्म नहीं होते, वो सिर्फ फिल्टर होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो एक जगह एकोमोलेट हुए पड़े हैं। सो इस फिल्टर की जब जहाँ तक मैं बात करूँ, आप बात करो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की, आप बात करिए मोल्ड की, आप बात करिए वायरस की, बैक्टीरिया की, ये उसको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है, एकोमोलेट नहीं करता इस पर। तो ये इस प्रोडक्ट का एक बहुत ही अच्छा उपयोग है जी। एक तुसी ये दसो जी, जिवें ये USA बेस्ड जिहड़ी कंपनी है वह लगातार बना के भेज रही है इस दौर दे विच, एक कोई इंडिया दे विच ये कदों तक तुहानूं लगदा कि मैनुफैक्चर होण लग जाणगे? कोई इस तरीके की स्टडी चल रही होवे, पंजाब यूनिवर्सिटी वालों भी कोई इस वल कोई कीती जा रही होवे कोई कोशिश? जी, एयर प्योरीफिकेशन पे बहुत सारा काम हो रहा है। मैं भी इस डायरेक्शन में काम करता हूँ। मेरा अभी रिसेंटली एक पेटेंट भी आया है जिसमें हमने नेचुरल फाइबर पे नैनो मटेरियल्स के साथ जो है उसको नोट किया है। उसकी बहुत एक्सीलेंट एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, सेल्फ क्लीनिंग एक्शन है उस मटेरियल का। पर जहाँ तक मैं बात करूँ इंडिया में इस प्रोडक्ट की, तो इसी साल जो है मॉलिक्यूल ने ये मॉलिक्यूल मिनी जो है ये यूनिट इंडिया में प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। और अभी मेरी हाल फिलहाल में जो उनसे बात हुई है, क्योंकि यहाँ मैंने जिन भी हॉस्पिटल्स में बात की है, डायरेक्टर से, प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल डायरेक्टर से जो भी बात की है, उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो है, जो उनकी बिगर यूनिट है जिसको मॉलिक्यूल RX Pro कहते हैं, तो उन यूनिट पे जो उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि वो ट्रायज एरिया की, बहुत बड़े एरिया की, एमरजेंसी वार्ड की, ICU यूनिट्स की, ICU हॉल की, जो है एयर को कम्प्लीटली अच्छी तरह से इफ़ेक्टिवली क्लीन कर सकता है। तो अभी तक वो प्रोडक्ट उन्होंने इंडिया में लॉन्च नहीं किया है, पर जो मेरी बात हुई है अभी रिसेंटली, वो बहुत ही जल्दी वो यूनिट्स भी इंडिया में अवेलेबल करवाएंगे। लेकिन आज की दौर में डोनेशन पे वो जो US के लिए मैन्युफैक्चरर हुए हैं वो सप्लाई इंडिया को कर रहे हैं। तो 2000 उन्होंने शुरू में कमिट किए थे और वो भेज भी दिए हैं इंडिया को। और साथ ही साथ जो मुझे रिसेंटली पता चला है, कल ही मेरी डॉक्टर जसप्रीत धावजी से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि वो 3000 से भी ज़्यादा यूनिट्स इंडिया को प्रोवाइड कर रहे हैं। और जबकि मैंने उनके साथ उनसे पूछा था, तो उनके जो 2000 यूनिट की ही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी, दैट वाज अराउंड 7.5 करोड़ रुपीज़। तो वो बहुत ही जनरसली, मैं कहूँगा जो इस कंपनी के फाउंडर है गोस्वामी जी और जो सीनियर रिसर्च डायरेक्टर जसप्रीत धाऊ जी हैं, उनका इंडिया के लिए बहुत प्यार है और वो इंडिया के लिए बहुत कंसर्न है। वो चाहते हैं कि इंडिया को वो किसी कैपेसिटी में हेल्प कर पाए, अगर वो स्प्रेड रोक पाए। शाम को वो मेरे साथ बात कर रहे थे कि अगर हम एक जान भी बच जा पाए एक हॉस्पिटल में, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और दूसरा जो एक थैंक्स मैं उस कंपनी को देना चाहूँगा कि ये एयर चेंज का कंसेप्ट उन्होंने इंडिया में बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस किया। अभी पीछे जैसे हमने वेबिनार भी मिलके किया था सैफ पंजाब यूनिवर्सिटी ने मॉलिक्यूल के साथ, तो जिसमें एयर चेंज का कंसेप्ट पर्टिकुलरली हॉस्पिटल्स के लिए कितना ज़रूरी है, इस पे बहुत अच्छी डिस्कशन हुई थी। तो वो लोग एजुकेट कर रहे हैं कि आज के जो मुश्किल दौर में जहाँ पेशेंट का इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, वो बहुत सारी बीमारियों को और प्रोन हो जाता है। जैसे आज ब्लैक फंगस का कंसेप्ट इतना ज़्यादा आ रहा है, डॉक्टर ने यहाँ तक सजेस्ट किया है कि मास्क के साथ फेस शील्ड भी लगाइए ताकि वो स्प्रेड मिनिमम हो। तो ऐसे जैसे टाइम में इस तरह के डिवाइसेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जिनका इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड है उनके लिए तो क्लीन एयर
वायरस बैक्टीरिया फ्री एयर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस डायरेक्शन में ये कंपनी हमें बहुत ही अच्छी तरह से हेल्प कर रही है, और साथ ही साथ मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे प्रोफेसर राजकुमार, वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी। वो हमारे साथ मिलके हर जगह हमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। इवन वो भी इस कंपनी में हमारे साथ 2019 में विजिट किया था उन्होंने, तो वो भी लगातार उनके संपर्क में बने हुए हैं, और उनको ये बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि इस कठिन दौर में भारत की आप हेल्प करो, और यहाँ हम टोटल डिस्ट्रीब्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी तैयार और तत्पर है। यूनिवर्सिटी के अलोमिनस ने जिन्हों ने तुसी दस रहे थे कि बीड़ा चुकया जड़ा उन्होंने थॉट आया तो जड़ा हुण कर रहे हैं, सो कितने ना कितने थोनू भी माण महसूस हो रहा होना यूनिवर्सिटी के उत्ते, सो जड़े इतों पढ़े जड़े स्टूडेंट्स ने वो अज इन्ना वड्डा काम कर रहे हैं जी। हमें तो बहुत ही ज़्यादा उन पे मान है, क्योंकि मुझे तो उनके साथ रिसर्च कोलेब्रेशन का भी मौका मिला है, बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने का भी मौका मिला है। पर जिस दरिया दिली के साथ वो बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं, तो ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, मैं कहूँगा कि ये पूरी पंजाब यूनिवर्सिटी फैटर्निटी के लिए एक बहुत प्राउड की बात है। और साथ ही साथ मैं तो कहूँगा जी, पंजाब के सिंह हम उनको कहते हैं, कि हम यहाँ से बड़े कहते हैं कि वो हमारे पंजाब के सिंह हैं, तो सारी पंजाबी कौम को उन पे बहुत ज़्यादा मान है कि वो जिस तरह से बड़ा दिल करके भारत की मदद कर रहे हैं इस बड़े कठिन दौर में, सो ये बहुत ही सराहनीय योग्य है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। प्रोफेसर गंगाराम चौधरी जी ने दस्या कि जड़े एयर प्योरीफायरस आए ने स्पैशल तरीके दे यूएस तो हाईटेक ने, ते किस तरीके दे नाल हेल्प कर सकते हैं वक्वक हेल्थ इंस्टीट्यूट्स दे विच इन्हां वालों डोनेट किए गए यूनिवर्सिटी वालों, ते अगे जिवें कि होर आउणगे प्योरीफायरस आउंदे रहणगे ते इसे तरीके दे नाल जड़े है अगे डोनेट ये भी करते जाएंगे। तो सो ये दस रहे थे कि अज के हालात ने जो जिस तरीके अद्धिया तो ज़्यादा बीमारियां हवा जी है वो पोल्यूटिड होंगी वह करके भी जड़िया बीमारियां लग जाए ने, सो योजे हालातों में इन्हों का रोल जोड़ा है बड़ा वड्डा है। चंडीगढ़ तो कैमरामैन आकाशदीप के नाल हर्षबाब सिंह सिद्धू, बाबूशाही टाइम्स। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए साडे चैनल नू सबसक्राइब करो, ते साडी लेटेस्ट वीडियो दी नोटिफिकेशन दे लिए बैल आइकन दबाना ना भूलियो।